गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दर्शना और आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज मैंने वीडियो में दिखाया है हाउ टू पेंट आवर लिविंग रूम इन वेरी लो बजट। मैंने अपने लिविंग रूम का पेंट चेंज कर दिया है बहुत ही लो बजट में। बहुत दिन से मैं अपने लिविंग रूम का पेंट चेंज करने का सोच रही थी। अकॉर्डिंग टू मी जैसे मुझे डिजाइन चाहिए था वैसे मुझे पेंट करना था, तो मैंने अपने लिविंग रूम का कलर चेंज कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही लाइट कलर है मेरे लिविंग रूम का, ऑफ वाइट कलर है, तो मुझे इसको ही चेंज करना है। बहुत ही डल लग रहा था तो मुझे कुछ ब्राइट एंड अच्छे कलर्स चाहिए थे, तो मैंने अपने ये वाली वॉल के लिए कुछ अलग सोचा है और ये साइड वाले वॉल के लिए मैंने कुछ अलग कॉम्बिनेशन सोचा है। ये वॉल मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, यूनिकॉर्न थीम बहुत ही अच्छा लगता था, पर ये फ्लावर्स पेपर फ्लावर्स है, इसके ऊपर बहुत सारे डस्ट जमा हो जाता है और फिर बहुत डल लगने लग गया था, तो इसके लिए मैंने इसको भी चेंज करने का सोच लिया है। तो पहले मैंने सब सामान हटा दिया था वॉल से एंड सोफा भी साइड में कर लिया था। ये फुल पेंटिंग मैंने 24 आवर्स में कंप्लीट कर लिया था फ्रेंड्स। ज्यादा टाइम नहीं लगा पर मजा आया था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये पेंट करने के टाइम। उसके बाद मैंने थोड़ा पोंछ लिया था ये वॉल को, उसके ऊपर डस्ट वेस्ट कुछ भी रहेगा तो वो निकल जाए इसके वजह से, बिकॉज कोई डस्ट के ऊपर पेंट अच्छे से नहीं लग सकता है। इसके लिए आप लोग कोई भी वॉल पे अगर पेंट कर रहे हो तो आप उसे पोंछ लो अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी ली हुई है, थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है उसे और पेस्ट बना लिया था अच्छे से। एक साथ ज्यादा पानी मत मिक्स करना फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स कीजिए, एक साथ डाल दी तो फिर वो एकदम पतला लेयर हो जाएगा। हमें थिक लेयर थोड़ा चाहिए, अच्छा पेस्ट होना चाहिए। वो पेस्ट मैंने अच्छे से सब होल्स में क्रैक्स में सब फिल कर दिया था और उसे अच्छे से मैंने फिनिशिंग कर दिया था एक पत्रा के साथ। ये पत्रा आपको हार्डवेयर में आराम से मिल जाएगा, कोई भी हार्डवेयर वाले को पूछ लोगे तो ये पत्रा आपको वो दे देंगे। ये वाला क्रैक फील करने के लिए थोड़ा टाइम लगा था फ्रेंड्स, मैं कोई प्रोफेशनल पेंटर नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग गया था इसको फील करने के लिए, बट बहुत अच्छे से हो गया लास्ट में। सो इट इज डन फ्रेंड्स, मैंने सब जगह पे क्रैक्स फिल कर दिए थे। क्रैक्स फिल होने के बाद मैंने सेकेंड स्टेप किया है, मैंने सब जगह पे मैंने मास्किंग टेप लगा दिया था। मैंने स्विच बोर्ड पे मास्किंग टेप लगा दिया था, ये शू रैक के ऊपर मास्किंग टेप लगा दिया था ताकि मेरा पेंट सब जगह पे फैले ना। मुझे ये स्विच बोर्ड पे मुझे कलर नहीं करना था, इसके लिए मैंने उसके ऊपर साइड साइड से मैंने मास्किंग टेप का यूज किया हुआ है और सब कॉर्नर्स एंड साइड नीचे साइड में मैंने मास्किंग टेप को लगा दिया था। यहाँ पे मैंने यूज किया ट्रैक्टर का एशियन पेंट, मुझे ये मिला है 183 रुपीज में।
ये पेंट में हमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है। अगर 70% हम लोग पेंट ले रहे तो 30% हमें पानी मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करके उसको फिर अप्लाई करना है वॉल पे। मैंने यहाँ पे रोलर का यूज किया था, ब्रश से करने में बहुत टाइम लग जाता है तो आप लोग भी रोलर का ही यूज कीजिए। मोस्टली ब्रश यूज करने से स्ट्रोक्स दिखाई देते हैं और लाइंस दिखाई देते हैं, तो रोलर इज द बेस्ट, आप लोग भी रोलर ही यूज कीजिए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट व्हाइट पेंट यूज किया है बैकग्राउंड के लिए। यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था ऊपर तक, तो इसमें मैंने एक जुगाड़ कर लिया है। मैंने एक स्टिक लिया था, उसको रोलर में फिक्स करके उसको अप एंड डाउन करके मैंने अपना ऊपर तक का पेंट कंप्लीट कर लिया है। तो दिस इज डन, बैकग्राउंड व्हाइट कलर हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज किया है। ये वॉल पे मैं ज्योमेट्रिक पेंट करने वाली हूँ, ज्योमेट्रिक डिजाइन यूज कर रही हूँ यहाँ पे। मैं फर्स्ट पिंक कलर करने वाली हूँ, तो मैंने व्हाइट कलर में मैंने पिंक रेड कलर मिक्स किया है। जितना हमें चाहिए उतना हम मिक्स कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा मत मिक्स कीजिए फ्रेंड्स, बिकॉज कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं और बहुत ही डार्क कलर आ जाता है। तो मैंने भी फर्स्ट ट्रायल के लिए मैंने लाइट कलर यूज़ किया है, लाइट कलर कर दिया था, फिर सेकेंड हैंड में मैंने डार्क कलर डाल के मैंने उसे कम्प्लीट कर दिया था। मेरा फर्स्ट हैंड पेंट तो हो गया है, मैं सेकेंड हैंड में मैं थोड़ा डार्क कर दूंगी बिकॉज ये बहुत ही लाइट हो गया था। I was just trying. Next color मैंने use किया है blue color. Then मैंने use किया है yellow color. So हमारा ये wall complete हो गया है। अभी नेक्स्ट वॉल पे मैं करने वाली हूँ एक्वा ग्रीन कलर। उसके लिए मैंने ये नया वाला कलर यूज किया है बिकॉज मुझे थोड़ा शाइन चाहिए था अपने कलर में। ये वाला कलर बॉक्स मुझे मिला है 400 में। ये वाले कलर से थोड़ा शाइनी कलर आएगा, फर्स्ट वाले कलर से मैट कलर था, ये वाला मुझे शाइनी कलर चाहिए था इसके लिए मैंने ये वाला कलर यूज किया है। ये वॉल पे मैं एक्वा कलर यूज करने वाली हूँ। ये दोनों कलर्स को मिक्स करके मैंने ये कलर क्रिएट किया है, ब्लू एंड ग्रीन। थोड़ा थोड़ा मिक्स करके आप लोग कलर बना सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम से ज़्यादा कलर मत डालिए बिकॉज कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कलर डालने से बहुत अलग कलर भी शेड भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वॉल। ये वॉल को भी मैंने क्लीन कर लिया है फर्स्ट, बिकॉज वॉल पे थोड़ा थोड़ा डस्ट होता ही है, तो आप लोग भी क्लीन किया करें। यहाँ पे भी मैंने मास्किंग टेप का यूज किया है साइड साइड में। मुझे साइड में कलर नहीं लगाना था, मुझे व्हाइट कलर ही रखना था, इसके लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज किया है इसमें भी। तो ये रहा हमारा एक्वा ग्रीन कलर, जैसे मुझे शेड चाहिए था वैसे का वैसा मैंने क्रिएट किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
रोलर से मैंने कंप्लीट करने के बाद जो जो गैप्स बच गए थे उसको मैंने छोटे ब्रश से मैंने कंप्लीट कर लिया था, फिलअप कर लिया था। तो अभी ये थर्ड बॉल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ये वॉल भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ब्राइट कलर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये कलर। ये सब जहां जहां पे वायरिंग थी वो मैंने सब निकाल दिए थे, मैंने जहाँ पे वायरिंग था उधर मैंने उस मास्किंग टेप का यूज़ किया हुआ है। ये वॉल जो कंप्लीट कर लिया था हम लोग ने एक्वा ग्रीन वाला, उसके लिए मैंने एक पेंसिल यूज़ किया है, मैंने ये लिया था 180 रुपीज़ में। मैंने यहाँ पे वन पैच व्हाइट का यूज़ किया और एक वन पैच मैंने गोल्डन किया था। So this is the final look of this wall. Full painting तो हम लोग की complete हो गया। Last में side side में मैंने white color fill up कर दिया था। अभी last है cleaning part। सबसे tough part होता है ये friends। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा कलर कलर हो गया है नीचे, बहुत इजीली निकल जाएगा। थोड़ा सा पानी डालना है और वो पतरे से हमें उसको क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरा हाथ कितना कलर कलरफुल हो गया है। हो सके तो आप लोग ग्लव्स यूज कीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्लव्स नहीं यूज किया था बिकॉज मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगता है वो ग्लव से। तो आपको चाहिए तो आप लोग ग्लव्स यूज कर सकते हैं। ये है पूल क्लीनिंग हो गया है, सो इट्स रेडी फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट रिमेनिंग है, अभी तक मैंने मास्किंग टेप निकाला नहीं था अपने कलर से। तो ये है फाइनल लुक, मैंने अपना मास्किंग टेप निकाल दिया था। So now it's ready. यहां पे आप लोग देख सकते हैं बिफोर आफ्टर लुक। ये पूरा कलर करने के लिए ओनली मुझे 1000 रुपीज का खर्चा आया है। मैंने ये फुल हॉल मैंने ओनली 1000 रुपीज में कंप्लीट किया है विद कलर्स ब्रश एंड पेंट। सो टोटल बजट इज ओनली 1000 रुपीज।
कैसे लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।